ये भी हकीकत है। अब इस पर आप क्या कहेंगे आशुतोष जी? समीर एक मिनट सर, एक समीर आशुतोष जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सर प्लीज सर, डिबेट का कंडक्ट तो मुझे करने दीजिए ना जी। आशुतोष जी हमारे साथी अभी तक नहीं बोले, मुझे लगता है उनको भी बोलना चाहिए जी। आप बोल दे माइक अगर आप, नहीं नहीं आप आशुतोष जी इस पर लीजिए, फिर मैं साहब के पास। महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 के इतिहास को सिलेबस हटा दीजिए। नहीं भाई सरकार आपकी है, एक सर मैंने आपको बोला, मैंने आपको अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं ये फालतू है, जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप और दूसरा क्या है, मोहम्मद गजनवी जब से आया है जी, आप जब से ब्रिटिश आ गए, वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। नहीं, नहीं, हटा दीजिए, फिर उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे? नहीं नहीं यही तो कह रहे हैं फालतू है। हाँ भाई आप इनसे सवाल पूछिए सुधांशु जी, आप सुधांशु जी से समीर, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहा मैं तो आपके साथ हूं, नहीं, नहीं। आप 16 साल हो गए अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक, उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी बता रहे हैं बिपिन चंद्रा का नाम, इसलिए दिक्कत इनको कि भगत सिंह टेररिस्ट थे और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। आपके बारे में क्या कहा है सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 की जो चिट्ठी लिखी गोलमेज में, क्या लिखा है आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी क्या ठीक है सरदार पटेल का ठीक है। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं, मैं अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस के संघ के बारे में क्या कहा, ठीक है भावेन संघ के बारे में क्या कहा, अतीत में कुछ गलतियां के बारे में क्या कहा, अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन क्या वाकई में क्या कहा आपके बारे, क्या वाकई उन गलतियों को सुधारा जा रहा है या फिर एक राजनीतिक विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है? साहिब साहब जल्दी से आपका कमेंट। देखिए हम इतिहास को उसी नज़र से देखना चाहते हैं जैसा राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, तो इतिहास से हम जिन चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में उनको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम वैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हाँ आप अपने बच्चों को अगर ये बताना चाहें कि हमारे पड़ोसी ये कौन क्यों हैं, हमारे ऐसे सामाजिक संबंध क्यों हैं, तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हाँ। और हम इतिहास को संपूर्णता में ही दिखा करके उनको ये बात समझा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के पास एक खूबी है, मैंने दुनिया के दूसरे राष्ट्रों को देखा और महसूस किया कि भारत के पास एक खूबसूरती है कि हमारा सामाजिक संस्कृति का इतिहास है, कंपोजिट कल्चर का इतिहास है, ये हमारी मजबूती है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, इसको हम अपनी ताकत बनाएं, बच्चों को बताएं कि कौन सा शासक आया, उसका व्यवहार कैसा था, उसकी खामियां क्या थी, उसकी खूबियां क्या थी। हमें इसको संपूर्णता में लिखना होगा और संपूर्णता में आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा। कोई हिस्से को हम इतिहास से हटाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ में जाति कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ दुराव छुपाव कर रहे हैं जिससे कि वो संपूर्णता में चीजों को ना समझ पाए। मतलब मुगल शासकों ने जो अच्छे काम किए वो भी बताए जाने चाहिए, जो गलत काम किए वो भी बताए जाने चाहिए। बिल्कुल बताए जाने चाहिए। जैसे हमने बचपन में पढ़ा कि भाई अकबर ने कुछ अच्छे काम किए, शाहजहां ने काम अच्छे किए, लेकिन औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, उसने बड़े जुल्म ढाए। इन सब से मिलकर ये तो पढ़ा ना, मिलकर हमारा भारत बनाए, इन सबसे मिलकर हम सबके बारे में बताएं। ठीक है बताऊं इतिहास की बहुत सारी चीजें जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हम मुगल और हिंदू के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी, इस देश के बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। दिनेश जी कह रहे हैं लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किए वो अपने स्वार्थ के लिए किए। आप मुझे बताइए तो सही, अरे भाई जो भी शासक है कौन तय करेगा, जो भी शासक है कौन तय करेगा, वही तो आधार होगा ना। मैं बता रहा हूँ, मैं जो हिंदू शासक है मुस्लिम शासक है तो पढ़ाना पड़ेगा ना कि आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ये भी पढ़ाइए। अरे सुनिए ये भी पढ़ाइए, इस बात को लेकर। और ये पढ़ाइए कि गुरु गोलवलकर ने जो शहीद थे उनके बारे में क्या कहा,
यहाँ तक कहा कि वो आदर्श नहीं हो सकते। मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकलकर अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए, जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ, वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया? नहीं, आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, ठीक है। और इनकी एक बात का मैं जवाब देने बिल्कुल आपको जवाब देने का एक बात मैं कहता हूं, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं सर, की बात कहता हूं, कंपोजिट कल्चर कहा ना, हां मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ, बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है। दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से? कंपोजिट कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं सीरे, जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा, उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको बता। एक मिनट वासी साहब, बोलिए। मैंने कहा ठीक है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है, अब बताइए सिर्रे अकबर किसी को नहीं पता, इसलिए मैंने दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्रे अकबर नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है जी। हां अब बोलिए। मेरा कहना यह है, हाँ, क्यों नहीं धारा शिकोह को पढ़ाया? एक मिनट, वो तो अच्छा काम किए थे भाई। एक मिनट सर, अब आप बोले तो मैंने नहीं पढ़ा। आप बोलिए आशुतोष जल्दी। 16 साल सरकार में रहे, हाँ, क्यों नहीं पढ़ाया आपने? सिलेबस में क्यों नहीं डाला? 16 साल रहे अटल जी की, 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूँ कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। हाँ, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप शुरुआत, सर मुझे बोलने दीजिए, वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है। अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे। मैं तो यूं आके नहीं बोल रहा हूँ, एक बात मैं तो यही बैठ के बोल रहा हूँ। ठीक है, समीर समीर जी, मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था, आप उसको डालिए ना, डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ाया, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है अकबर? अरे हटाइए ना, किसने मना किया आपको? 303 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत, है हिम्मत, तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास से हटा के दिखाइए। एक दिन के अंदर करिए का नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त सुधांशु जी, आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके जाके क्यों रंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए? बताइए कोई? आपसे कोई नहीं। आपने ये बताइए, आप भी नहीं हटाते भाई, भाई शहादत की आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करें, उसी का जवाब दे। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से, जल्दी से सुधांशु, एक लाइन में देखिए। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे की कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ पे कोई सेक्युलर गया? फोटो दिखाइए 2015 में किसी ने? ये बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला के जमाने समीर, में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? ये इशरत जहां, मुझे लगता है, मुझे लगता है जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। मुसलमानों के ऊपर खामोशी अख्तियार कर इमरान के फतवे पे बोलो, फिर आप भी जो बोले मुद्दे पर, भी जो बोलते हैं आप भी जो मुद्दे पर, मुद्दे पर आप भी जो बोल रहे हैं आप भी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। मुझे लगता है खामोश अख्तियार करने वाले लोगों से मैं एक बात कहता हूं, मुगलों का इतिहास कल नरेंद्र मोदी जी संसद में प्रस्ताव पास करके हटा दे। पार्टी ने ठीक है, जिस पार्टी में आप थे है हिम्मत तो है, हिम्मत तो करके दिखाइए। ठीक है, आम आदमी है हिम्मत करके दिखाइए। मुझे लगता है मुगलों की चोट पर हटा के सर, मुगलों को बहुत फुटेज मिल गई। अब बात हम कर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता, राष्ट्रपिता की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था जब मुगलों पर भी बात हो रही थी तो महात्मा गांधी से जुड़े जो फैक्ट्स हैं, जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद का कालखंड था उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, वो क्या है? फैक्ट्स पर नजर डालिए सर। अपने मैं खास मेहमानों से भी कहूंगा थोड़ा थोड़ा इधर तवज्जो दें, थोड़ा इधर तवज्जो दें। कक्षा 12वीं क्लास, किताब राजनीतिक विज्ञान, चैप्टर महात्मा गांधी का त्याग, महात्मा गांधी का त्याग। अब क्या निकाला गया है सर? एक मिनट,
क्या निकाला गया है, आउट ऑफ सिलेबस क्या किया गया है? महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की दृढ़ कोशिश ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए, हिंदू चरमपंथियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए, यह हटा दिया गया। गांधी जी उन लोगों को विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें, यह हटा दिया गया, या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था, यह पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब इसे सिलेबस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभी नाथूराम गोडसे का भी जिक्र हुआ, गोडसे पर क्या हटाया गया है ये देखिए। गोडसे पुणे का ब्राह्मण था, यह पहले लिखा हुआ था। अब 30 जनवरी की शाम को अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में गांधी जी की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी, यह लिखा गया है। पहले क्या था, गोडसे एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था, यह भाषा लिखी थी। आत्मसमर्पण करने वाला हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था, अब यह लिखा गया है। तो कुल मिलाकर जो बदलाव किए गए हैं वो हमने आपके सामने रख दिए, और मैंने एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीपी सकलानी से यह सवाल पूछा था कि नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा था, उसका आरएसएस से एसोसिएशन था और गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था, मतलब ये आरोप लगाकर कि उसका आरएसएस से एसोसिएशन था, क्या अब भी ये पढ़ाया जाएगा? इस सवाल पर उनका जवाब भी आपको सुनाते हैं, पहले वो सुन लीजिए। जो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है वो हट गया है, जो हट गया उसको क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? वो क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा? अगर वो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है तो हट गया ना, वो तो नहीं पढ़ेंगे। कोई जरूरी है कि किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बच्चों को? जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, जानने का सोर्स क्या ये किताब ही है क्या? इतिहास से कौन हटा सकता है, और बड़े लेवल पे पढ़ लेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर आरएसएस को लेकर जो बात कही गई थी, आरएसएस बैन को लेकर जो बात कही गई थी, अब वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यानी गांधी जी की हत्या के बाद का जो कालखंड था उससे जुड़ी कई घटनाएं और उनका तस्करा जो था वो अब हटा दिया गया है। सुधांशु जी, इसके पीछे क्या रीजन है? जब हम ये नहीं बताएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद किस पर आरोप लगे, आरएसएस को क्यों बैन किया गया और फिर बैन हटाया भी गया, 18 महीने तक बैन था लेकिन उसके बाद हटाया गया, जब हम यही नहीं बताएंगे कि आरएसएस को बैन किया गया था तो फिर ये कैसे बताएंगे कि बैन हटाया गया? देखिए यहां पे मैं बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं जी, किसी भी विषय को आप किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जी, कि नाथूराम गोडसे हिंदू था और ब्राह्मण था, ये कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये वो बता रहे ये कौन सी नीति है? मुझे याद है, वो तो हमारी मेमोरी की बात है, 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा जी की हत्या के बाद अखबारों में लिखा था दो सिख अंगरक्षकों ने हत्या की, और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था क्योंकि इनको समाज में करना था। और पूरा फैक्ट बताइए, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। नाथूराम गोडसे ने अपने सबमिशन में कहा कि मैंने दो गोली मारी, पुलिस ने कहा तीन गोली मारी गई, ये तीसरी गोली किसकी थी भाई? और वहां पर दो और अखबार थे जिनको कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, संयोग से एक विदेशी और एक भारतीय था, द हिंदू और न्यूयॉर्क टाइम्स, दोनों के पत्रकारों ने लिखा चार गोलियां चली, और आज तक यही नहीं पता कि गोली कितनी चली। आप जनता को बेवकूफ बना रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पूरे इस याचिका को रिजेक्ट कर चुका, थर्ड जो जो तीसरी गोली की जो थ्योरी थी, तो मुझे ऐसा लगता है यार में कितनी गोली बताइए, एफआईआर में कितनी गोली, कोर्ट में गया था या नहीं गया था, एफआईआर में कितनी गोली थी, सुप्रीम कोर्ट में गया था या नहीं, एफआईआर में कितनी गोली थी, सुधांशु जी एफआईआर में कितनी गोली थी, सरकार इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के मुझे दबा सकते हैं, झूठ मामला सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में यह भी रिजेक्ट हो चुका है, राहुल गांधी केस झेल रहे हैं कि आरएसएस का कोई रोल नहीं था गांधीवाद में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए, इस सरकार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर चुका है कि नहीं बताइए, झूठ राहुल गांधी ने, झूठ आप बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने यह कहा था कि गांधीवाद में गांधी जी की हत्या में उनका स्थान था, ठीक है, जो लोग इस रात को कम टू माय रेस्क्यू, समीर यू हैव टू कम टू माय रेस्क्यू, सीधे सीधे जो लोग मानते थे भारत हिंदू धर्म के लोगों का देश होना चाहिए और भारत को बदला लेना चाहिए, वो लोग मोहनदास करमचंद गांधी को नापसंद करते थे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि छात्रों को यह जानने का हक क्या क्यों नहीं है कि महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की और वो जिन विचारों से प्रेरित था वो विचारधारा कौन सी थी, इसे आप क्यों हटा रहे हैं?
सिंपल सा मेरा सवाल है। बहुत बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए, महात्मा गांधी की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय इतिहास के लिए बहुत गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है, लेकिन मैं बता दूं उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत साफ स्पष्ट थी। और जो इस तरीके से एनसीईआरटी बुक की बुक्स में पहले इस बात को दिया गया, लिखा गया कि एक एक्सट्रीमिस्ट ब्राह्मण के द्वारा किया गया, ये कोई मतलब नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता। आप इस तरीके से आप कहते हैं कि सिख दंगों के लिए, तो हम किसी जाति समुदाय के ऊपर इस तरीके का कमेंट नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते, तो ये गलत डायमेंशन में चीजों की गई थी। और इसीलिए ये जरूरी था कि वहां पे कृष्ण, ये कोई मना तो नहीं कर रहा है, कोई इनकार तो नहीं कर रहा है कि जो हत्याकांड हुआ था, लेकिन उसके पीछे की जो बातें हैं वो सामने लोगों के आने चाहिए। मेरा एक मानना है कि जिस तरीके का पोर्ट्रेयल पहले नाथूराम गोडसे के बारे में एनसीईआरटी में था, उसको वहां पे करेक्शन किया गया है। हाँ। एक दूसरे जवाब में देना चाहूंगा। बार बार डिबेट में बात आ रही है कितने दिनों से सरकार थी, आपने क्यों नहीं परिवर्तन किया। 2000 में जब सरकार आई थी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 2004 में एनसीईआरटी की किताब को सारा सिलेबस जो है वो किया गया। आदरणीय शशिचंद मित्तल जी थे और प्रोफेसर माखनलाल थे, रिराइटिंग की गई और 2004 में पब्लिश होकर के पब्लिक डोमेन में आई। और जैसे ही 2005 में सरकार आई और तुरंत ही उन्होंने उस किताब को बैन करके स्क्रैप कर दिया और दोबारा उस किताब को नई किताब छापी गई। आप कह रहे हैं रेगुलर फ्रेमवर्क 10 साल के लिए है, ये 2020 में दोबारा से एनसीएफ आया है, उसके बाद का एक्साइज है, तो इसमें रेपुटेशन को खत्म करने की बात की गई है। मुगल का इतिहास को खताया नहीं गया है सर, जो पोर्शन ऑलरेडी पढ़ाए जा रहे हैं 7th में भी है, 12th में भी है। आप क्राफ्ट हिस्ट्री को देखिए, बाकी जगह देखिए, दूसरे चैप्टर्स में मुगल हैं, अभी भी मौजूद हैं, इसको नहीं बदल रहे हम, सही ठीक है। ठीक है, मुगलों का तस्करा तो हमने कर लिया, लेकिन लेकिन आरएसएस पर क्या क्या हटा? सुधांशु जी इस वक्त हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं, जल्दी से दिखा लेते हैं कि आरएसएस को लेकर क्या कहा गया था और अब आरएसएस को लेकर क्या ऐसी चीजें हैं जो हटा दी गई हैं, उसकी एक डिटेल आपको दे देते हैं, फिर जल्दी से सुधांशु जी का रुख करेंगे। कक्षा 12वीं क्लास किताब राजनीतिक विज्ञान, ये वो किताब है जिसके कुछ चैप्टर्स हटाए गए। गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा असर हुआ, इसे आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसी, ये अब नहीं पढ़ाया जाएगा। आरएसएस जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, ये कहा गया था पहले जो टेक्स्ट बुक थी, लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है, अब इन लाइनों को हटा दिया गया है। सुधांशु जी, इसका रीजन क्या है? देखिए, सवाल पूछे कि आरएसएस के बैन लगा था या नहीं लगा, सिर्फ इतना सवाल पूछे बस। नहीं, वो तो इतिहास है, वो तो लगा था, तीन बार लगा है। कोर्ट में औंधे मुंह गिरा था कि नहीं, ये बताइए, तीन बार जी लगा, 47 में भी, 75 में भी, 92 में, तो 30 दिन में प्रूव नहीं कर पाए ट्रिब्यूनल के आगे। पटेल ने लगाया था, मतलब आप गलती में ओवरटेक में ओवरटेक करेंगे, पटेल ने लगाया था, कहेंगे चालान पढ़ाना चाहिए। सरदार पटेल ने लगाया था, आप देखिए, सरदार पटेल ने लगाया था ना, सरदार पटेल ने हटाया भी था, सरदार पटेल देखिए, सरदार पटेल ने बैन लगाया, सरदार पटेल ने बैन हटाया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सरदार पटेल की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई, क्योंकि सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया था, इस भारत को एक जोड़ने का काम किया। मगर जो सरदार पटेल ने देश के लिए, कभी कांग्रेस की कार्य समिति में 1991 से पहले सरदार पटेल की फोटो तो दिखाइएगा, सरदार पिछले 20 सालों में कभी सरदार पटेल की फोटो दिखाइए, कोई गोलमेज को गिरफ्तार किया था, सावरकर गिरफ्तार, लेकिन लेकिन आशु जी बैन लगा तो बैन हटा भी ना, बैन हटा भी ना, बिल्कुल, अगर गलती साबित हो जाती तो बैन नहीं हटता, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जब संसद पे हमला हुआ, नहीं तो ये बताइए ना, हुआ ये फिर इस रूप में आ जा, चलिए हम रखने को तैयार है, आप कहिए कि ये नेहरू सरकार के पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने लगाया और वह उनकी गलती सिद्ध हुई इसलिए हटाया, लिखवाएंगे, तैयार है, तो यही है ना, सुनिए, फैसला कौन करेगा कि क्या फैक्ट है और क्या गलत है? जो कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो इसका मतलब सरकार गलत थी, ठीक है, खारिज कर दिया सरकार गलत थी ना, तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि कोर्ट में खारिज हुआ, एक सुन लीजिए, तथ्य क्या है, गलत है क्या ये? जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद हिंदू महासभा, सावरकर को गिरफ्तार किया गया, आरएसएस के ऊपर बैन लगा और उसके साथ साथ गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया, और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस पर काम ना करें। सरदार पटेल ने वायदा किया कि कोई काम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑर्डर दिया कि मेरी टेबल पर जाएंगे, मैं उनको चेक करूंगा, उसके बावजूद
18 महीने तक संघ के ऊपर बैन लगा रहा। और कैसे कैसे बैन हटा, कहा गया भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, तिरंगे को सल्यूट करना पड़ेगा और अपना संविधान लिखना पड़ेगा। कहां लिखा है? इस शर्त कहां लिखा है? झूठ मत बोलिए। कहां लिखा है? फैक्ट फैक्ट कोई सबूत नहीं मिल रहा। प्रोफेसर साहब बताएंगे, प्रोफेसर साहब बताएंगे कि नहीं? वाष्णेय जी, वाष्णेय जी रेफरेंस दीजिए, झूठ मत बोलिए। क्या झूठा गया था? कहां लिखा? नेशनल अल्काई। आप जाइए ना नेशनल अल्काई, नेशनल अल्काई, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं आपका इतिहास यहां है नहीं, आप लोग जरे लिखा हुआ है उसका आधार यह लिखा है कि इनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं बनता। देखिए इस पर एक बड़ा अनुमति थी, आपने क्यों नहीं अपने घर में फहराते थे? घर में मुझे तिरंगा फैलाना। देखिए भाई तिरंगा वीर जिंदल केस से पहले सरकारी बिल्डिंग के अलावा नहीं फहराया जा सकता। ठीक है, तिरंगे से सरकारी बिल्डिंग के लिए जेल भी जाना पड़ता, झूठ बोलता चले जाते हैं लोग। तिरंगे ठीक है लाने में भी जेल जाना पड़ता है। अब हमारे दोनों तरफ जो है, हमारे दोनों तरफ बहुत लर्नेड लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इधर से जिसे फैक्ट कहा जा रहा है, इधर से उसे झुठलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या सुधांशु जी ये मान लिया जाए जिस भी राजनीतिक विचारधारा वाली सरकार रहेगी वो अपने हिसाब से इतिहास लिखेगी? आप लोग भी वही कर रहे हैं, पहले भी यही हुआ, यूपीए के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो वो विचारधारा की सरकार जो कहती है देश कभी एक था ही नहीं। ये तो वो विचार कहते थे सरजमीने हिंद पर अकवाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया। इन्हें समझ में नहीं आता था कि हमारे यहाँ किस जमाने में लिखा है यावत बिंदु सरोरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशक्षते, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशक्षते, नहीं समझ में आता था। ये कब लिखा है? ये कब लिखा है? पुराणों में लिखा है, ये अरे भैया बात सुनो, भोपाल गए हो? भोपाल गए? नहीं, बहुत बात के तरीके। भोपाल गए? सुनिए, ये बहुत ढाई लाख कहते थे एक ना, अब एक लाइन कह दो गए नहीं गए भाई, एक लाइन कह दो जल्दी से, उसके बाद मुझे एक लेना, मुझे 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 कुछ टैग कुछ टैग बताइए। सुनिए सारी चीज मेगालिथिक कल्चर सर, ये है नहीं बड़ा। एक मिनट, देखिए सारा जल्दी से इनकी ऐसी तैसी कर देती है। इन्होंने लिखा था कि बहुत बात की जो बात कह रहे ना कि वेद 1100 1200 ईसी के बाद लिखे गए, पढ़े लिखे लोगों, अरे पढ़े लिखो बता रहे भाई 1100 क्या हिंदुस्तान का क्या तरीका बहस कर रहे हैं। मैंने कहा था हिंदू सर, यार मेरा टाइम दूसरे पे बोल ले, दूसरा बोल ले तो दे लीजिए, बोल ले तो दीजिए शब्द जी। विश्वास में हिंदू सर, एक 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 सुधांशु जी मैं बात हूं, हिंदू शब्द दिखाइए या मैं भी चिल्लाऊं? पुराना है ही नहीं, बोलने है ही नहीं। कहां से कहां में भारतवर्ष का विश्व धर्म होता है पुराना? अरे क्या है, अच्छा बताइए हिमाचल है कि नहीं? सर देखिए सारे मुद्दे जो हैं वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं। एक मिनट बहरहाल वैचारिक मंथन इस मुद्दे पर लगातार जारी रहेगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई कर रहा है, बताइए आप। चुनौती तो बताइए, नाम बताइए। आप लोग मुंह छुपाने के लायक ने धारा सिखो का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको बता। एक मिनट, ये इशरत मुझे लगता है सर जाकिर नायक बाबर तुगलक औरंगजेब उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान किया। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास के दिखाइए, तो एक दिन के अंदर करिएगा। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 250 साल में उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग। जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें नहीं बोल आगे नहीं। अगर...
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यहां लेफ्ट वर्सेस राइट सिलेबस पर बिग फाइट, और ये फाइट लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। देश का भविष्य कौन है? जाहिर है हमारे युवा, जो आज देश के कोने कोने में पढ़ रहे हैं, किताबों के बीच सिर खपा रहे हैं। उनके हाथ में भारत की तकदीर होगी आने वाले वक्त में। इसलिए ये जरूरी है कि बच्चे किस राह पर जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोर्स में क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, ये बड़ी बहस का मुद्दा बने। बहस इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की नींव तभी मजबूत होती है जब देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। जब विषय इतने गंभीर हो तो बात करने वाले भी विद्वान होने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का, बहुत खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी के। इसके अलावा इतिहासकार दिनेश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर वेद व्रत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये बदलाव के पक्ष में है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर दिनेश वाशने साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के ही प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गंगा साहेब मीणा साहब, भारतीय भाषा स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज से इनका ताल्लुक है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जिक्र उन चैप्टर्स का जिन्हें हटा दिया गया है। अकबरनामा का जिक्र बार बार हो रहा है इस मामले में, जब भी चर्चा हो रही है अकबरनामा में क्या था, ये जरा हम आपको बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, शासन के पहले 30 साल मुगल शासक अकबर की यह जीवन गाथा थी। अकबर का शासन, शासन के 46 साल और आईने अकबरी में क्या था, अकबर का प्रशासन यानी वो रूल कैसे करता था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यह सब कुछ अकबरनामा में जिक्र किया गया। लेकिन फिलहाल जल्दी से बिना वक्त गंवाए अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चैप्टर्स तो बदले जा रहे हैं, बहुत कुछ है जो बदला जा रहा है, लेकिन इतिहास को कैसे बदला जाएगा? जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम दुनिया के इकलौते राष्ट्र हैं जो प्री हिस्टोरिक नेशन है, ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। मगर अफसोस कि उस प्रागैतिहासिक राष्ट्र के इतिहास के बारे में कौन लिखता है? विदेशी लिखता है। विदेशी में भी कौन लिखता है? जो भारत में ज्ञान प्राप्त करने आया उनका इतिहास नहीं, जो भारत में लूटने आया उन लुटेरों का इतिहास। और मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जो कहता हूं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक नहीं है, विदेश का लिखा इतिहास प्रमाणिक बताइए। कोई ब्रिटेन में कहता हो कि फ्रेंच ने लिखा वो हम प्रामाणिक मानते हैं, कोई जर्मनी में कहता हो पोलिश ने लिखा उसे हम प्रामाणिक मानते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में कहते हैं। और मैंने कहा ना, जिन्होंने भारत के बारे में पॉजिटिव लिख दिया, मार्को पोलो तो आए नहीं था, ऐसे ही कह दिया होगा, मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, फायान ने लिखा, नहीं नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा ना आईने अकबरी जी, तो पढ़ाओ आईने अकबरी में क्या लिखा है। उसने कहा, अबुल फजल ने लिखा है कि जब चित्तौड़ जीता तो अकबर कहता है कि मैंने वो मंदिर जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद बच गए थे हिंदू और जैन मंदिर, वो ध्वस्त किए, 30,000 लोगों की खोपड़ी पे खड़े होके गाजी की उपाधि ली। ये भी पढ़ाइए या तो फिर सब हटा दीजिए। तो मेन बात यह है कि ईमानदारी से इतिहास पढ़ाया जाए तो सही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई मुगलों ने क्रूरता से शासन किया, तो अकबर के चरित्र का ये हिस्सा जो है, इसे पढ़ने से कैसे महरूम रह सकते हैं छात्र? फिर तो उनको पता लगना चाहिए ना कि अकबर के कैरेक्टर का एक हिस्सा ये भी था। यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं था वो हिस्सा गायब और ये हिस्सा सही। अब मैं एक और फैक्ट कहता हूं ना, भारत का इतिहास ना हमारा, छोड़िए संगी भाजपाई छोड़िए, वर्ल्ड में एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि पिछले 2000 सालों में, 2500 सालों में जितने लोग सरकारों के द्वारा या युद्ध में मैसेकर किए गए, देखिए युद्ध में सेना का मरना एक अलग बात है, पब्लिक ने मैसेकर किया, वो है प्रोफेसर आर जी रमल, कोई जाके चेक कर सकता, आर यू एम एम ई एल। उन्होंने लिखा है कि अब तक उनके एस्टिमेट के हिसाब से 90 करोड़ से लेके 1,40,000,000,000 लोग पिछले 2500 वर्षों में शासन के द्वारा मारे गए। महत्वपूर्ण बात जानते क्या लिखी है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कलिंग और एक कोई साउथ के, जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए
लाख भी नहीं। अब बताइए 13वीं शताब्दी के बाद ही भारत में मैसेकर है, तो एक फॉरेनर कह रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक, दुनिया भर के तमाम देशों से की गई, मगर हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जाता है, यह समस्या। ठीक है आशुतोष जी, अगर कुछ उल्टा पढ़ाया जा रहा था तो उसको सीधा करने में एक लाइन और अभी बहुत जी जल्दी से, उल्टा पढ़ाया जाए वहां तक भी ठीक है, झूठा पढ़ाया जाए, कपोल कल्पित पढ़ाया जाए, और जो तंत्र मंत्र जादू टोना जिन किताबों में लिखा है उस तंत्र मंत्र में से एक सेंटेंस निकाल के उसको सच स्थापित करके पढ़ाया जाए, वो कहां है वो मैं आगे ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। कपोल कल्पित इतिहास पढ़ाया जा रहा था अब तक, जिसमें बदलाव की जा रही है कोशिश, और अगर वाकई ऐसा था तो बदलाव क्यों ना किया जाए। आशुतोष जी देखिए, कपोल कल्पित तो ये है कि नाली के पानी से आप गैस निकाल के चाय बना दीजिए, कपोल कल्पित तो ये है कि जब बादल हो तो आप भेज दीजिए एयरफोर्स को और वो रडार पकड़ नहीं पाएगा। देखिए इस बहस में मुझे दिक्कत इस बारे में नहीं है, जब बीजेपी की सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से इतिहास को बताने की कोशिश, लेफ्ट आएगा अपने हिसाब से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मध्यम मार्ग अपने हिसाब से करें। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मैं तो 100 साल से आरएसएस का होने वाला है, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड संघ का इतिहासकार मुझे बता दीजिए जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती हो। आप इतिहास डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतिहास लिखिए तो आप इतिहास ले, आप बार बार कहते इतिहास में गलत, अरे गलत पढ़ाया जा रहा तो लिखो ना इतिहास, बनो ना रोमिला थापर की तरीके से एक बड़ा इतिहासकार, बनिए ना बिपिन चंद्रा की तरीके से, बनिए ना केन पनिकर की तरीके से, बनिए ना सतीश चंद्रा की तरीके से, क्यों नहीं आपके यहां कोई बड़ा बड़ा इतिहासकार पैदा हो पाए जो लिख पाए, जो हिस्ट्री को हिस्ट्री कर। एकमात्र इतिहासकार जो बीजेपी आरएसएस के तो नहीं है वह है हिंदू महासभा के, वह वीर सावरकर। आप उनकी किताब पढ़ लीजिए सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपको पता चलेगा कि पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई। आप उनका 1857 का जो युद्ध है, जो लड़ाई, जो स्वतंत्रता का वो है संग्राम, वो पढ़ लीजिए आपको समझ। बाकी और कौन है मुझे बता दीजिए। आप दिक्कत क्या है कि आपके यहां पढ़ने लिखने की परंपरा है नहीं, कोई बड़ा इतिहासकार है नहीं, इसलिए आप चीजों को डिलीट करना चाहते हैं, आप गांधी को हटाना चाहते हैं। इसे क्या विचारों का द्वंद आप नहीं मानते? नहीं, नहीं, आप कह रहे हैं सावरकर ने, वीर सावरकर ने एक पैरेलल हिस्ट्री लिखने की कोशिश की, वो उनके विचार भी तो हो सकते हैं। मैं सावरकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अच्छा, क्योंकि जब सावरकर का जिक्र आएगा तो आरएसएस के लोग बहुत तगड़ा भी दिखते हैं उसमें, और अगर अभी बता दूं तो भागने खड़े हो जाएंगे। ये ठीक है, बात मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इतिहास में विमर्श होना चाहिए, इतिहास में जंग नहीं होनी चाहिए। आप इतिहास लिखिए, स्थापित करिए, आप इतिहास स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप इतिहास को मिटा रहे हैं। आप गांधी तो के चरित्र विमर्श आपको नजर नहीं आ रहा है, गांधी राइट जी पर और आरएसएस पर हम आएंगे राइट जी। विंग के, अभी मुगलों पर मैं चाहना चाहूंगा, संघ के पास विमर्श नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर होती तो 100 सालों के अंदर हिंदुस्तान का इतिहास लिखकर बोलते। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सुधांशु जी, मैं जानता हूं इस पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुगल दरबार का जिक्र हो रहा है, मुगल दरबार का इतिहास हटाया गया है, इससे जुड़ी एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। ये देखिए, मुगल दरबार का इतिहास कक्षा 12वीं क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बदलाव किया गया है, मुगल दरबार का इतिहास हटाया गया, किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का जिक्र बार बार हो रहा है, चैप्टर कौन सा है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स, इसमें मुगल दरबार को कैसे ऑपरेट किया जाता था, कैसे चलाया जाता था, इसका जिक्र है। 30 पन्नों को एनसीईआरटी के नए सिलेबस से हटा दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए क्या क्या हटाया गया। मुगल काल की जो पांडुलिपियां थी वो हटा दी गई हैं, युद्धों, शिकार अभियानों, भवन निर्माणों का इतिहास जो है वो भी हटा दिया गया है, तमाम जो भवनों के निर्माण हुए उसका जिक्र हटा दिया गया, दरबार के दृश्यों के माध्यम से मुगलों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां हटा दी गईं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स में ये सब कुछ था जिसे हटाया गया। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल जहन में आता है। देखिए, जब बात आशुतोष जी ने थोड़ी सी राजनीति कर दी, एक फैक्चुअल बता दूं, उन्होंने कहा रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार हैं जिनका वो वीडियो आपने देखा होगा, इन्होंने कहा जब युधिष्ठिर को राज्य संभालने के लिए कहा जा रहा था तो उसके मन में भाव आया कि नहीं, मैं राज्य नहीं संभालना चाहूंगा, रिनंसिएशन वॉज इंस्पायर्ड बाई अशोका। मतलब जो युधिष्ठिर का इंस्पिरेशन अशोका से लेने की बात करते हो वो कितने महान इतिहासकार होंगे सब समझा, और आज तो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं, ये 60 और 70 के दशक में ये जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है,
संघ की तरफ से किसी भी इतिहासकार बुद्धिजीवी को स्थापित नहीं होने दिया गया। और मैं इस डिबेट में उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट टू, जाके पढ़िए यूरी बेजमेनेव जो केजीबी का जासूस था भारत में रहता था उसका डिटेल पढ़िए आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रक्रिया के तहत हो रहा था। वो विषय छोड़ देते हैं, हम आज के विषय के ऊपर आते हैं। बस एक अंतर मुझे लग रहा है, आशुतोष जी ने कहा कि थे ही नहीं, नहीं आपने नहीं, कहा कि होने ही नहीं दिया। मैं आने की बात कर रहा हूं, जब इन्होंने राजनीतिक कहा ठीक है मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए, ये इंडिया गेट के चारों तरफ मुगलों के नाम पे क्यों है भाई सड़कें, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, छत्रपति शिवाजी के महाराज पे है कोई लुटियन जोन में बताइए, मानसिंह रोड है, महाराणा प्रताप नहीं है लुटियन जोन में क्यों? अच्छा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुधांशु जी, मुझे लगता है उससे जुड़ी एक लाइन। बाबर का नाम हर हिंदुस्तानी जानता है, जो 1527 में आया, 30 में मर गया, 2.5 साल में, उससे ज्यादा जनता दल ने शासन किया इस देश पे, जिनके लोगों के नाम नहीं जानते लोग 550 साल पहले के 2.5 साल वाले शासक का नाम सबको पता है। देखिए आप जिस रोड का जिक्र कर रहे थे, ये देखिए हुमायूं रोड है दिल्ली में, एक एक करके हम सड़कें भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी सुधांशु जी कर रहे थे, ये हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, ये सारी जो सड़कें हैं वो दिल्ली में हैं। आशुतोष जी कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? समीर, कम से कम मैं सुधांशु जी की ईमानदारी को मानता हूं, मान लिया कि संघ की परंपरा में कोई बड़ा इतिहासकार मान लिया इन्होंने नहीं बनाया। अरे भाई जब सावरकर लिख सकते थे आप क्यों नहीं लिख सकते थे? 1925 से लेकर 1947 तक तो कांग्रेस का शासन नहीं था ना, लिख के दिखाते ना कम से कम। दूसरी बात, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, 9 साल नरेंद्र मोदी का शासन था, क्यों नहीं नाम हटाया आपने? सारे हटाइए ना, एक से एक। अरे अटल जी के टाइम आपके समय में औरंगजेब के नाम से रोड थी, हुमायूं के नाम से रोड है, अकबर के, क्यों नहीं हटाए? दिक्कत क्या है कि आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग इतिहास लिखते हैं वो आके स्टूडियो में बोलते नहीं, वो लिख कर मोटा पथन्ना लिख के चले जाते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं उसके आधार पर विमर्श कर। दिक्कत क्या है? जो इतना ज्यादा टैलेंट डेफिसिट असंघ परिवार के अंदर है कि वो इतिहास लिख ही नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ करता हूं कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज एकेडमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हिस्ट्री नहीं लिख सकते ये लोग। अगर हो सकता तो 100 साल के अंदर इतिहास लिख देते मैं ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत सीधी सी है कि जहां पढ़ने लिखने की बात होगी तो एक आदमी क्वेश्चन करेगा, क्योंकि संघ के अंदर क्वेश्चन करने की परंपरा नहीं है। एक चालक अनुवर्तित तो वहां पे है कि एक चालक नेता ने जो कह दिया उसको फॉलो करना है, मोदी जी ने जो कह दिया सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं। दिक्कत यहां पे है, जो संघ चालक कह देते सब आंख बंद करके फॉलो करते हैं, जब क्वेश्चनिंग नहीं है, इसीलिए आज हिंदुस्तान के अंदर हर जगह वॉइस ऑफ डिसेंट को क्रश किया। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही सुधांशु जी। इसका जवाब देना चाह रहे हैं, हालांकि मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि एक विचारधारा है जो कि थोपने की कोशिश की जा रही है। करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी। श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे, दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापड़ थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना, कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है? उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा उन्होंने लिखित में दिया ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है, उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे, इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को दिया। ठीक है, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प वैचारिक जंग यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ, मैंने चैलेंज नहीं किया, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने फिर लाइव टेलीविजन में मान लिया है कि इनके यहाँ कोई इतिहासकार नहीं है। क्यों आपने कोर्ट में, अरे भाई आपने माना, दोबारा माना, दूसरी बार माना आपने। मैं कहता कि आप ये कहते हैं कि हमारे
हमारे फला इतिहासकार ने जो संघ से जुड़े हुए हैं इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती। अरे आप कोर्ट में जा रहे हैं, दुनिया का मतलब रोमिला थापर को, विपिन चंद्रा को, के एम पनीकर को, सतीश चंद्रा को दुनिया वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड के हिस्टोरियन टॉप हिस्टोरियन रिकॉग्नाइज करते हैं। यही 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 दक्षिण पंथियों की दिक्कत है। दक्षिण पंथियों के यहाँ लेखन है ही नहीं, इतिहासकार है ही नहीं और उनके एकेडमिक्स है ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चनिंग ठीक है आप ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और उसके जवाब में सुधांशु जी ने अपने तर्क दिए, लेकिन मुगल बादशाहों का संपूर्ण इतिहास ठीक है सर, ठीक है मैं आता हूँ। और भी मेहमान है कुछ फैक्ट्स रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। मुगल बादशाहों का संपूर्ण इतिहास, बादशाह, जन्म स्थान और शासन काल, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो इस वक्त आप देख सकते हैं, बाबर जन्मस्थान उज्बेकिस्तान 1526 से 1530 बाबर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हुमायूं जन्मस्थान अफगानिस्तान 1530 से 40 और 55 से 56, ये है उसका शासनकाल। इसके बाद आप आ जाइए अकबर सिंध जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है 1556 से 1605 शासनकाल रहा। इसके बाद जहांगीर जन्मस्थान भारत, मुगल शासक लेकिन जन्मस्थान भारत, सरजमीने हिंदुस्तान 1605 से 1627 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है 1627 से 1658, ये शाहजहां का शासनकाल था। इसके बाद औरंगजेब जन्मस्थान कहां, भारत, हिंदुस्तान 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। और इसके बाद बहादुर शाह जफर जिनका जन्म स्थान भारत और उन्होंने आखिरी सांसें भी यहीं ली 1837 से 1857 और अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग लड़ी गई बहादुर शाह जफर की तरफ से उसके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी को एक तराजू में तौल देना ठीक होगा? इस सवाल के जवाब के लिए मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा और इधर बैठे अपने खास मेहमानों के पास आऊंगा। लेकिन प्रोफेसर वाशने एक बहुत संगीन आरोप लग रहा है और वो आरोप ये है कि जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने गलत इतिहास गढ़ने की कोशिश की, हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की। ये आरोप जो है इस पर आपका जवाब क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है क्या जिसे अब सुधारा जा रहा है? समीर जी देखिए सीधी साधी बात है, मैं आपकी इस बात से आज जो सुधांशु जी ने इन्होंने जो आरोप लगाया वो गलत है, मैं आपको उसको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ। पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए, ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन जो प्रीहिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी, खत्म, नील नदी की सभ्यता क्या थी, अरे सुनिए अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी, हिटियंस कौन थे बताइए ना, सब खत्म। सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने जीवित इतिहास इतिहास किससे कहानी नहीं होती, किससे कहानी नहीं, रियल इतिहास है। इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। बहुत नहीं नहीं देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है, हर्ष नारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी, आपके यहाँ सरोवर नहीं आती थी, हर्ष नारायण श्रीवास्तव को पर्शियन भी आती थी, नहीं आती थी, और सुन लीजिए संस्कृत भी आती, पूरी बात सुनिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, बीच में नहीं बोल आगे नहीं, अगर आपसे चिल्लाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। ठीक है, सुधांशु जी एक गलत बात है आपने पूछा, गलत बात है, यूं करके पूछा इसलिए मैंने बोला, ना तो उनको आती थी ना उनको आती थी। और जो प्रोफेसर आरजी ठाकरा ने हो गए वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें संस्कृत आती है, उन्हें पाली आती है, और जो प्रोफेसर सूरज मान गए उनको भी संस्कृत और ब्रह्मी और पाली आती थी। कितने आपको कहा ये लखनऊ कोर्ट में कहा गया, ये बिल्कुल नहीं कहा गया, आप लाइए रिकॉर्ड लखनऊ कोर्ट के, लखनऊ कोर्ट की आप प्रोसीडिंग देखिए, दूसरी बात सुनिए, प्रधान अपीयर हुए थे कोर्ट में, समीर जी गलत, प्रधान अपीयर हुए थे कोर्ट में, जी उनकी बात पूरी हो जाना दिनेश, सरासर झूठ बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी हो जाए, कोर्ट में जाइए, वो भी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे जी, इनकी योजना सुनिए जल्दी से, जल्दी स्टूडियो जल्दी मत कीजिए, इनमें आप 22 मिनट बोलिए 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 बोलिए, झूठे इतिहास की इनकी योजना सुन लीजिए। आजादी के बाद से आज तक ये इन्होंने विदेशियों ने लिखा एक सच, रोमिला थापर विदेशी है, आर एस शर्मा विदेशी है, डी एंजा विदेशी है, या प्रोफेसर क्या कहते हैं विपिन चंद्रा विदेशी है, तशीत चंद्रा विदेशी है, अरे भैया अरे कंपोजिट कल्चर का इतिहास है इंडिया का, ये चाहते ही नहीं है कि कंपोजिट कल्चर दिखाया जाए, ये मुगल को इसलिए अलग कर रहा है कि कंपोजिट कल्चर को डिलीट किया जाए, विविधता में एकता की दर्शकता को ना लगाया जाए, ये चाहते ही नहीं है कि विविधता एकता आगे बढ़े, क्योंकि इनकी योजना है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।
अगर ये सब दिखाएंगे तो इनको अडानी भी दिखाना पड़ेगा, 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के भी दिखाने पड़ेंगे, ये उसको निकाल रहे हैं। अब सुन लीजिए सर, सर सर अरे जिन बातों का आपने जिक्र किया उसी का एक जवाब ले लेते हैं। एक मिनट, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर आप मुगल को नहीं बताएंगे तो मेडिवल इंडिया के राज्य, राज्य का धर्म, राज्य की प्रवृत्ति कैसे बताएंगे आप? मुझे आप बताइए क्या उस राज्य की कैसे बढ़ाया गया या घटाया? ठीक है, ठीक है जी। सर एक मिनट, सर एक युद्ध हुआ, अब आपकी इजाजत से ज्यादा युद्ध। सर हिस्ट्री के प्रोफेसर ने बहुत जो तर्क हैं इस मामले से जुड़े वो सामने रखे हैं, इसलिए एक और हिस्ट्री के प्रोफेसर से इसका जवाब लेंगे। वेदव्रत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, हिस्ट्री के ही प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तिवारी जी, अगर एक पूरे चैप्टर को दीजिए, सीपीआई के हैं ये भी बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल वामपंथी विचारधारा के राजनीतिक व्यक्ति हैं वो, वामपंथी विचारधारा की बुलंद आवाज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक नहीं हो, वही सबसे बड़ी। अरे सर थोड़ा थोड़ा आप वही सबसे बड़ी, थोड़ा आप लोग पानी पी लीजिए, थोड़ा दूसरे को भी मौका मिले अपनी बात रखने का। वेदव्रत तिवारी जी बताइए, अगर पूरे चैप्टर्स को ही हटा दिया जाएगा वो कैसे रूल करते थे, या फिर उनसे गलतियां क्या होंगी हुई अतीत में इतिहास में, ये पता ही नहीं चलेगा तो उनसे हम कैसे सीख लेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता। ठीक सर अरे जी सुन लीजिए, मैंने औजार क्या है, अरे औजार पूछिए जी, आप जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। कई सवाल अभी डिबेट चल रहे हैं, बहुत शानदार डिबेट है जी। सबसे पहले कि ये आशुतोष जी ने आरोप लगाया कि संघ का या भारत में इतिहास लिखने की परंपरा ही नहीं थी, सावरकर को मान रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, आपने एक्नॉलेज किया। संघ के भारत में इतिहास लिखने की परंपरा है, सुन लीजिए बात, संघ से कोई लेना देना नहीं, और सावरकर कहते हैं कि जो संगठन गाय को अपना प्रतीक पुरुष बनाने की कोशिश करता है वो क्या सभ्यता के बारे में, वो कहते हैं कि शेर होना चाहिए हमारा। सुन लीजिए, पूरी विचारधारा जमीन पे आ जाए, इसीलिए आपने हिंदू महासभा का जिक्र किया। भारत में जो आदरणीय सुधांशु जी ने कहा बहुत स्पष्ट है कि भारत का इतिहास लिखने के लिए हमारे लोग बचे ही कहां थे, हम लगातार उपनिवेशवाद में रहे, और जब अंग्रेजों का शासन रहा तो जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा वही भारत में ICS पढ़ के आते थे, और वही इतिहास यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, जो कॉलोनियल स्कूल ऑफ राइटिंग आप सभी जानते हैं। और इसके बाद जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया है, तो आप कैसे बोल रहे हैं केपी जायसवाल है, एचसी मजूर हेमचंद मजूमदार है, सर सर के नीलकंठ शास्त्री है, सर आज नहीं है, सर यही पढ़ा है, सर यही कॉलोनियल रूल पढ़ा रहे। सर कंप्लीट कर लीजिए, कहां पे पढ़ा रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं, बात पूरी हो जाए, बात सब पूरी हो जाए, बात तो पूरी हो जाए, बात पूरी कर लीजिए जी। नीलकंठ शास्त्री साहब आपके सामने हैं, जगन्नाथ सरकार ने औरंगजेब का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है, नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत का इतिहास पूरा पढ़ाया जाता है सर, कहीं पे नहीं है, विजयनगर एम्पायर पूरी पढ़ाई जाती है, विजयनगर एम्पायर तो आप पढ़ाएंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में राज किया, उसी तरह से मुगलों ने किया, वो नहीं पढ़ाएंगे, तुर्क पढ़ाएंगे, पर राजा भोज नहीं बताएंगे, जब ये वैचारिक जंग है ना सर, आप जी अभी वैचारिक राजनीति की बात नहीं, हमेशा से अभी रहे सर। सर 1950 से कोल्ड वॉर के बाद से आप लोगों ने हिंदुस्तान ही नहीं लगभग लगभग दुनिया के सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर आपका कब्जा रहा, आपका डोमिनेंस रहा, ऐसा कोई भी लोग नहीं रहे सर, समाजवादी समाजवादी व्यवस्था स्थापित की, ऐसे किसी इतिहासकार को ऐसे किसी पढ़ने लिखने वाले को आगे आने नहीं दिया सर, लोगों को नौकरी नहीं मिली जो लोग पढ़ के सर प्लीज आप सभी से एक मिनट आप सभी से इल्तिजा है कि आप लोग एक साथ मत बोलें, दर्शक जो है वो बहुत ध्यान से करोड़ों दर्शक इस डिबेट को देख रहे होंगे और इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त वैचारिक जंग छिड़ी हुई है, हर कोई अपने विचार रखना चाहता है, इसलिए दोनों तरफ के जो विचार हैं विरोध के भी और पक्ष के भी वो सामने आ जाएं, ये हमारी मंशा है। हमारे साथ दिनेश कपूर साहब भी मौजूद हैं, दिनेश कपूर साहब लेकिन अभी मैंने जो हिस्ट्री दिखाई, जो तमाम मुगल शासकों के बारे में बताया, उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो भारत में ही पैदा हुए, जिनका दम भारत में ही निकला, उनसे किस बात की दुश्मनी? तो बेड़ा गर्क हुआ, हाँ तो मैं समझता हूँ वो हुआ इस देश की आजादी के बाद जो पहले 5 शिक्षा मंत्रियों की नीति थी, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ उनकी नीतियाँ, अब मैं ये उनको वर्गों में या मजहब में डिवाइड नहीं करना चाहता, पर उनकी नीतियाँ वामपंथियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की, इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है या
सल्तनत से होता है और खत्म भी मुगलों पे होता है, खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है, पहला चैप्टर बताइए क्या है। आराम से सर, आराम से। देखिए देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट एक मिनट, मेडिकल इंडिया के एग्जाम में कोई नगर नहीं था। जल्दी चैप्टराइजेशन, जल्दी 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 सब करूं, जब वो जल्दी कर ले दो चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली मैं ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय नहीं है, इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। फॉरेन की मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है, कोई जाके चेक करे इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो दे दीजिए। आरोप प्रत्यारोप अडानी तक आ गए, कितने बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है वो अडानी पे आ गए, देखिए आरोप ये गैस बनाने पे आ गए, दोनों का व्यू देख लीजिए। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। एक मिनट, अडानी पे बहुत इतिहास से क्या मतलब है, आप अडानी को छुपाने के लिए कर रहे हो। वास्ते साहब थोड़ा ध्यान से, सुधांशु जी, सुधांशु जी एक मिनट, ये देखिए ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, सुधांशु जी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अपने दर्शकों के सामने रख दें। जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। देखिए जरा, शासन काल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया। 16 से 17वीं शताब्दियों में मुगल शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ। कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? मुगल। इसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में मोगली नाम भी मुगल से आया और यह पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाएगा। भाई मुगलों से दिक्कत है सुधांशु जी, ये समझ में आता है, मोगली से भी दिक्कत है। अरे भाई शाह कहां से आया बताओ ना, सुधांशु जी मोगली से क्या दिक्कत है? विजयनगर एम्पायर और मुगल एम्पायर दोनों ने कॉन्टिनेंट में काम किया। शिवाजी के साम्राज्य के लिए राखी हिंदुआनी हिंदुआन का सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दादाही एक खबर लेनी है अपने दर्शकों के लिए। अयोध्या के मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास का कहना है कि रामराज तभी आएगा जब इतिहास से मुगलों को हटाया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। सुनिए जरा बात। तो रामराज अगर लाना है, रामराज लाने के लिए जिस विधा के द्वारा, जिस संविधान के द्वारा जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है, उस विधा को, उस कानून को हटाना चाहिए और हटा करके समता समरसता स्थापित करना चाहिए। तो सुधांशु जी, ये क्या प्लान्ड वे में सारी चीजें हो रही हैं और ये आपकी सरकार का एक मुख्य एजेंडा है क्या, मुगलों को हटाया जाना और इतिहास में बदलाव करना? अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों बताया नहीं जा रहा है कि भाई सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे हैं? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई कोविड था, पाठ्यक्रम कम करना था ताकि मुश्किल सवाल जो है वो छात्रों को तैयार ना करने पड़े, इसलिए हमने ये बदलाव किया? जब कम करना होता तो फालतू की चीजें हटाई जाती है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस मैं बात देख रहा हूँ, पूरा वाक्य होने दीजिए सर, क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला, फालतू थे वो, कह रहे हैं बिल्कुल, मैं सोच समझ के बोला, कारण क्या था? ये दर्शक मुगलों की, हाँ भाई बिल्कुल, दर्शक इस बात को सुने, बता रहा हूँ भाई, एक एक करके थोड़ी, मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूँ, सुनिए। मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, बिल्कुल, जिसकी माँ मंगोल और बाप उज्बेक था, ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन, और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है, चुनौती से कहता हूं भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं,
क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए उनको। उनको अपना आप महारानी को सलाम करते हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे, हम तो जेलों में रहे आप माफी मांगते रहे। कौन कौन जेल में रहा माफी मांगते रहे? श्रीपाद हमने कब माफी मांगी बताइए हम? ये तो वो ठीक है। देखिए दो बातें यहाँ पर हुई हैं, दो बातें यहाँ पर हुई हैं। सुधांशु जी ने साफ तौर पर कहा कि मुगलों को पढ़ाना क्यों जरूरी है, मुगल फालतू थे। मुगलों को महान किसने बनाया? सर एक मिनट, मुगलों को महान किसने बनाया यह सवाल जहन में आपके भी आ रहा होगा। एनसीईआरटी की किताबों पर जो रिसर्च हुई है, सर एक मिनट, अकबर का जिक्र 97 बार, 97 times, शाहजहां का जिक्र 30 बार, औरंगजेब का भी जिक्र 30 बार, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार। हैरत होगी आपको यह सुनकर। महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 1-2 बार, ये भी हकीकत है सर, ये भी हकीकत है। अब इस पर आप क्या कहेंगे आशुतोष जी? मुगल जी, समीर एक मिनट सर, एक समीर आशुतोष जी, नहीं ऐसे नहीं सर प्लीज, सर डिबेट का कंडक्ट तो मुझे करने दीजिए ना जी। आशुतोष जी हमारे साथी अभी तक नहीं बोले, मुझे लगता है उनको भी बोलना चाहिए जी। आप बोल दे माइक, अगर आप नहीं आप आशुतोष जी इस पर लीजिए, फिर मैं साहब के पास। महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 के इतिहास को सिलेबस हटा दीजिए। नहीं भाई, सरकार आपकी है। सर मैंने आपको बोला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं ये फालतू है। जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप और दूसरा क्या है, मोहम्मद गजनवी जब से आया है जी, आप जब से ब्रिटिश आ गए, वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। नहीं, हटा दीजिए, फिर उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे? नहीं यही तो कह रहे हैं फालतू है। हाँ भाई, आप इनसे सवाल पूछिए सुधांशु जी, सुधांशु जी से बता रहा हूँ। समीर फिर एक बार, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क यह है, जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहां, मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक, उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी इसलिए दिक्कत इनको, भगत सिंह टेररिस्ट थे और 2016 में हमने संसद में सवाल उठाया। आपके बारे में क्या कहा है सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 की जो चिट्ठी लिखी गोलमेज में, क्या लिखा है? आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी क्या ठीक है सरदार पटेल का, आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस संघ के बारे में क्या कहा, ठीक है, भावे ने संघ के बारे में क्या कहा, अतीत में कुछ गलतियां हुई बारे में क्या कहा, अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन क्या वाकई में क्या कहा आपके बारे, क्या वाकई उन गलतियों को सुधारा जा रहा है या फिर एक राजनीतिक विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है? साहिब साहब जल्दी से आपका कमेंट। देखिए हम इतिहास को उसी नज़र से देखना चाहते हैं जैसा राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं, तो इतिहास से हम जिन चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में उनको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम वैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हाँ, आप अपने बच्चों को अगर ये बताना चाहें कि हमारे पड़ोसी ये कौन क्यों हैं, हमारे ऐसे सामाजिक संबंध क्यों हैं, तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हाँ। और हम इतिहास को संपूर्णता में ही दिखा करके उनको ये बात समझा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के पास एक खूबी है,
मैंने दुनिया के दूसरे राष्ट्रों को देखा और महसूस किया कि भारत के पास एक खूबसूरती है कि हमारा सामाजिक संस्कृति का इतिहास है, कंपोजिट कल्चर का इतिहास है। ये हमारी मजबूती है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। इसको हम अपनी ताकत बनाएं, बच्चों को बताएं कि कौन सा शासक आया, उसका व्यवहार कैसा था, उसकी खामियाँ क्या थी, उसकी खूबियाँ क्या थी। हमें इसको संपूर्णता में लिखना होगा और संपूर्णता में आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा। कोई हिस्से को हम इतिहास से हटाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ में जाति कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ दुराव छुपाव कर रहे हैं जिससे कि वो संपूर्णता में चीजों को ना समझ पाए। मतलब मुगल शासकों ने जो अच्छे काम किए वो भी बताए जाने चाहिए, जो गलत काम किए वो भी बताए जाने चाहिए। बिल्कुल बताए जाने चाहिए। जैसे हमने बचपन में पढ़ा कि भाई अकबर ने कुछ अच्छे काम किए, शाहजहां ने काम अच्छे किए, लेकिन औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, उसने बड़े जुल्म ढाए। इन सबसे मिलकर, ये तो पढ़ा ना, मिलकर हमारा भारत बनाए। इन सबसे मिलकर हम सबके बारे में बताए। मैं बताऊं इतिहास की बहुत सारी चीजें जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हम मुगल और हिंदू के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अभी इस समाज, इस देश के बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। दिनेश जी कह रहे हैं लेकिन जो अच्छे काम भी मुगलों ने किए वो अपने स्वार्थ के लिए किए। आप मुझे बताइए तो सही। अरे भाई जो भी शासक है कौन तय करेगा? जो भी शासक है कौन तय करेगा? कोई तो आधार होगा ना। मैं बता रहा हूँ, मैं जो हिंदू शासक है, मुस्लिम शासक है, तो पढ़ाना पड़ेगा ना कि आरएसएस के लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, ये भी पढ़ाइए। अरे सुनिए सुनिए, ये भी पढ़ाइए। अच्छा, इस बात को लेकर और ये पढ़ाइए कि गुरु गोलवलकर ने जो शहीद थे उनके बारे में क्या यहां तक कहा कि वो आदर्श नहीं हो सकते। मुझे लगता है, मुझे लगता है मुगलों से थोड़ा सा आगे निकलकर अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए, जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हां, वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया? नहीं, आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। टन पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, ठीक है। इनकी एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। आपको जवाब देने का एक बात मैं कहता हूं, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर की बात कहता हूं। कंपोजिट कल्चर कहा ना, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। बच्चों से पूछिए सिर्राय अकबर का नाम किसने सुना है? दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्राय अकबर कहां है। बताएं कहां से? कंपोजिट कल्चर वहां से आया, औरंगजेब का बड़ा भाई था। फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्राय अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं सीधे, जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा, उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको बता। एक मिनट वासुदेव साहब, बोलिए। मैंने कहा ठीक है, हकीकत है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए सिर्राय अकबर किसी को नहीं पता? इसलिए मैं दर्शकों से पूछा। ठीक है, किसी को सिर्राय अकबर नहीं पता होगा? ठीक है, ठीक है जी। हां, अब बोलिए। मेरा कहना यह है, हाँ, क्यों नहीं धारा शिकोह को पढ़ाया? एक मिनट, वो तो अच्छा काम किए थे भाई। एक मिनट सर, अब आप बोले तो मैंने नहीं पढ़ा। आप बोलिए आशुतोष जल्दी। 16 साल सरकार में रहे, हाँ, क्यों नहीं पढ़ाया? आपने सिलेबस में क्यों नहीं डाला? 16 साल रहे अटल जी की, 8-6 साल की सरकार थी। मैं तो यही तो सवाल कर रहा हूं कि भाई लेफ्टिस्टों ने अगर इतिहास का बंटाधार किया, आप पढ़ाइए। आप मुगलों के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो फालतू है। हाँ। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप शुरुआत, सर मुझे बोलने दीजिए, वो कहेंगे शुरुआत तो हो गई है, अब आप धीरे धीरे करके हटा रहे। मैं तो यूं आके नहीं बोल रहा हूँ, एक बात मैं तो यही बैठ के बोल रहा हूँ। ठीक है, समीर समीर जी, मैं जल्दी से, हाँ, मैं बहुत छोटा सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था, आप उसको डालिए ना, डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ाया, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना, किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके हिम्मत नहीं हटाने की, इसलिए आप इस तरीके की बातें करते हैं। है हिम्मत तो आप मुगलों के इतिहास को भारत के इतिहास हटा के दिखाइए, एक दिन के अंदर करिएगा, नहीं कर सकते। लेकिन उस सुधांशु जी, आप 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके जाके क्यों औरंग जाओ? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाज़ा में गया हुआ कोई शक्ल बताइए?
बताइए कोई कोई नहीं आपने ये बताइए आप क्यों नहीं हटाते भाई शहादत की आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते आप उसका जिक्र नहीं करें उसी का जवाब दे आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते जल्दी से सुधांशु एक लाइन में देखिए मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया छाती पीटे की कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85 वर्षगांठ पे कोई सेक्युलर गया फोटो दिखाइए 2015 में किसी ने ये बताइए उस्ताद बिस्मिल्ला खां को भारत अटल जी की सरकार में मिला 2001 में क्यों नहीं मिला के जमाने समीर, में अब मैं पूछना चाहता हूं भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड समीर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया ये इशरत जहां मुझे लगता है सर जाकिर नायक बाबर तुगलक औरंगजेब उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया देश का भी नुकसान किया जल्दी से पानी का इलाज करिए मुसलमानों के ऊपर खामोशी अख्तियार करिए इमरान अली के फतवे पे बोलो फिर आप ही जो बोले हिंदू तो आप ही जो बोलते हैं समाज के मुद्दे पर मुद्दे पर आप ही जो बोल रहे हैं मुद्दे पर रहते हैं मुद्दे पर रहते हैं और मुझे लगता है खामोश अख्तियार करने वाले लोगों समय एक ही बात कहता हूं मुगलों का इतिहास कल नरेंद्र मोदी जी संसद में प्रस्ताव पास करके हटा दे बस पार्टी ने ठीक है जिस पार्टी में आप थे है हिम्मत तो है हिम्मत तो करके दिखाइए ठीक है आम आदमी है हिम्मत तो करके दिखाइए मुझे लगता है मुगलों की चोट हटा के सर मुगलों को बहुत फुटेज मिल गई अब बात हम कर लेते हैं इस देश के सबसे बड़े सेकुलर नेता राष्ट्रपिता की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं देख रहा था जब मुगलों पर भी बात हो रही थी तो महात्मा गांधी से जुड़े जो फैक्ट्स हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद का कालखंड था उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं वो क्या है फैक्ट्स पर नजर डालिए सर अपने मैं खास मेहमानों से भी कहूंगा थोड़ा थोड़ा इधर तवज्जो दें कक्षा 12वीं क्लास किताब राजनीतिक विज्ञान चैप्टर महात्मा गांधी का त्याग अब क्या निकाला गया है सर एक मिनट क्या निकाला गया है आउट ऑफ सिलेबस क्या किया गया है महात्मा गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की दृढ़ कोशिश ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए यह हटा दिया गया गांधी जी उन लोगों को विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें यह हटा दिया गया या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था यह पहले पढ़ाया जाता था लेकिन अब इसे सिलेबस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अभी नाथूराम गोडसे का भी जिक्र हुआ गोडसे पर क्या हटाया गया है यह देखिए गोडसे पुणे का ब्राह्मण था यह पहले लिखा हुआ था अब 30 जनवरी की शाम को अपनी दैनिक प्रार्थना सभा में गांधी जी की एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी यह लिखा गया है पहले क्या था गोडसे एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था यह भाषा लिखी थी आत्मसमर्पण करने वाला हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था अब यह लिखा गया है तो कुल मिलाकर जो बदलाव किए गए हैं वो हमने आपके सामने रख दिए और मैंने एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीपी सकलानी से यह सवाल पूछा था कि नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा था उसका आरएसएस से एसोसिएशन था और गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था मतलब ये आरोप लगाकर कि उसका आरएसएस से एसोसिएशन था क्या अब भी ये पढ़ाया जाएगा इस सवाल पर उनका जवाब भी आपको सुनाते हैं पहले वो सुन लीजिए जो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है वो हट गया है जो हट गया उसको क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा वो क्यों पढ़ा जाएगा दोबारा अगर वो एक्सपर्ट ने कहा हटाना है तो हट गया ना वो तो नहीं पढ़ेंगे कोई जरूरी है कि किताब में सब चीज पढ़ानी है छोटे बच्चों को जिसको पढ़ना है अलग से पढ़ सकता है बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है जानने का सोर्स क्या ये किताब ही है क्या इतिहास से कौन हटा सकता है और बड़े लेवल पे पढ़ लेंगे तो देखिए कुल मिलाकर आरएसएस को लेकर जो बात कही गई थी आरएसएस बैन को लेकर जो बात कही गई थी अब वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है यानी गांधी जी की हत्या के बाद का जो कालखंड था उससे जुड़ी कई घटनाएं और उनका तस्करा जो था वो अब हटा दिया गया है सुधांशु जी इसके पीछे क्या रीजन है जब हम ये नहीं बताएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद किस पर आरोप लगे आरएसएस को क्यों बैन किया गया और फिर बैन हटाया भी गया 18 महीने तक बैन था लेकिन उसके बाद हटाया गया जब हम यही नहीं बताएंगे कि आरएसएस को बैन किया गया था तो फिर ये कैसे बताएंगे कि बैन हटाया गया देखिए यहां पे मैं बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं जी किसी भी विषय को आप किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जी कि नाथूराम गोडसे हिंदू था और ब्राह्मण था ये कहने का क्या मतलब है इसका मतलब तो ये वो बताने बता रहे ये कौन सी नीति है मुझे याद है वो तो हमारी मेमोरी की बात है
31 अक्टूबर 1984 इंदिरा जी की हत्या के बाद अखबारों में लिखा था दो सिख अंगरक्षकों ने हत्या की, और उसके बाद जो देश में हुआ था वो हुआ था क्योंकि इनको समाज में करना था। और पूरा फैक्ट बताइए, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। नाथूराम गोडसे ने अपने सबमिशन में कहा कि मैंने दो गोली मारी, पुलिस ने कहा तीन गोली मारी गई, ये तीसरी गोली किसकी थी भाई? और वहां पर दो और अखबार थे जिनको कि ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, संयोग से एक विदेशी और एक भारतीय था, द हिंदू और न्यूयॉर्क टाइम्स, दोनों के पत्रकारों ने लिखा चार गोलियां चली, और आज तक यही नहीं पता कि गोली कितनी चली। आप जनता को बेवकूफ बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पूरे इस याचिका को रिजेक्ट कर चुका, थर्ड जो जो तीसरी गोली की जो थ्योरी थी। तो मुझे ऐसा लगता है एफआईआर में कितनी गोली है बताइए, एफआईआर में कितनी गोली कोर्ट में गया था या नहीं गया था, एफआईआर में कितनी गोली थी सुप्रीम कोर्ट में गया था या नहीं, एफआईआर में कितनी गोली थी सुधांशु जी, एफआईआर में कितनी गोली थी सरकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्ला के मुझे दबा सकते हैं। झूठ मामला सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में यह भी रिजेक्ट हो चुका है, राहुल गांधी केस जेल में है कि आरएसएस का कोई रोल नहीं था।